नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहे और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहे। मैं कॉरपोरेटर इकबाल शेख गोमतीपुर से बोल रहा हूँ। गोमतीपुर रोड में गई कल से कॉरपोरेशन के द्वारा एक बहुत बड़ा अमल चालू है, जिसके अमल के अंतर्गत TP-10, जिसमें कुछ सिंधी भाई करीब करीब 16-17 भारत देश जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तान से यहाँ पर शरणार्थी तरीके आकर रहे थे, उन्होंने कॉरपोरेशन ने उनको वो वक्त दुकानें दी थी। जो गल्ले थे उनके छोटे छोटे, वो गल्ले के बाद वो लकड़े के गल्ले थे, 1955 में दी थे। उसके बाद 67 में उस पर आग लगी। आग लगने के बाद में कमिश्नर वो टाइम पर जो थे, उन्होंने मौखिक उन्होंने कि भाई आप पक्की दुकान बना सकते हो, इस तरह उन्हें पक्की दुकान बनाने का आदेश दिया गया था। वो दुकानें जो बनी थी, वो भी आज 65 साल बाद कॉरपोरेशन ने वो दुकान का कब्जा, पक्की प्लॉट का कब्जा लिया। हम ये रजूआत करने जब कमिश्नर साहब पास पहुँचे, हमने कहा कि भाई आप उसका अमल करो, कोई बात नहीं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। आज सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बड़ी बड़ी बातें ये करती है कि भाई हम CAA का या CAB का जो बिल का विरोध चला, जब उन्होंने कहा था कि शरणार्थी जितने भी हो, माइनॉरिटीज़ के अलावा जो भी शरणार्थी होगा उसको हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन उनकी करनी कुछ है और करनी कुछ है, वो बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, बहुत दुख की बात है। आज साथ साथ दूसरा एक अमल, आज से कॉरपोरेशन का TP-10 का जो अमल एक चालू किया, यहाँ पर एक प्लॉट है, जो प्लॉट रिजर्व कॉरपोरेशन का, ऐसा कहना है कि ये रिजर्व प्लॉट है, और इसमें करीब करीब 55 दुकानें, 71 मकान है, जो संपूर्ण पर उसको टोटल कब्जा लेने की बात है। हम आज हमारे 4 MLA शैलेश भाई परमार, मोहम्मद सिंह पटेल, गयासुद्दीन शेख साहब, इमरान भाई और बद्रुद्दीन शेख साहब और स्थानीय कॉरपोरेटर, हम सब मिलकर आज कमिश्नर साहब से मिले। इसकी हमने रजूआत की कि भाई आप वैकल्पिक व्यवस्था पहले दीजिए, उसके बाद अमल करिए। तो उन्होंने रेसिडेंट में तो कहा है, उन्होंने बहुत पॉजिटिव, कमिश्नर साहब ने आज बात की है रेसिडेंट के मामले में, तो साथ साथ कॉमर्शियल के मामले में जो हमने उन्हें कहा, तो उसमें भी उन्होंने मदद करने का कहा है। तो मेरी आपसे, आपके प्रेस और माध्यम से ये कहना है कि यही काम जो अगर पहले से इनको वैकल्पिक व्यवस्था दे के की जाती, तो मैं मानता हूँ इसका, और इससे अच्छा हम इसका रिजल्ट ला सकते थे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि
अमलवारी करके एकदम मसल्स पावर करके पुलिस के दम पर, यानी इस तरह गरीबों को जो मकान छिनवाड़ करने की जो कोशिश कर रही है बहुत दुखदायक है। लेकिन पहले वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसके बाद उनके मकान या दुकान लेनी चाहिए।
नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी एसआर न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुँचाते रहें।